सिक्योरिटी राणा साला की शुरू तुमचा दादागिरी काकी वर्दी बघू नको गर्दी कमी पत्ता गली गली आपल्या घरी घरी मुंबई आकुनाचा बाबाचा नाही तो दत्तिंग पटेल इकडे दाखवायचा नाही काय शांतती केला तर कानपट्टी चेक माझा एम कधी चुकत नाही टार्गेट इज बेक मुंबई शहर है ये बात कौन है जान ले पे अपनी कहानियां पढ़ मेरे साथ है तो मेरे को टेंशन लेने का गरज ही नहीं। पहला, मेरे को मालूम नहीं ये पैसा तुम मेरे को क्यों दे रहा। दूसरा, मैं पैसा लिया नहीं तो तुमको तू बोलने का हक नहीं। तो ले लेना, सोच क्या रहा है? जो कर रहा है वो करता रहे, जहीर के भड़वों को एक एक करके कम करता रहे। इतना पैसा हर हफ्ते आते रहेगा। क्या कर रहा है? What, what? वैसे तुम लोग में से विट्ठल कौन? अपुन है विट्ठल। क्या मटके का अड्डे से विट्ठल अकेला कैसे निकला? जिंदा सोचा? अटैक से पहले एंड टाइम पर ये जहीर का आदमी से डील किया, अपना जान के बदले तुम्हारा गांड बेच दिया। डबल क्रॉस करने वाला था तुम। अब मैं तुम्हारा एक और गलतफहमी दूर करता है, मैं तुम्हारे नीचे काम नहीं करता है, इसलिए मेरा पैसा तुम नहीं मैं कोर्ट डिसाइड करेंगे, समझा? ये गन देखा, इसको घंटा फर्क पड़ता है सामने विट्ठल हो या फिर पुजारी। ऐसा लेने के बाद भी मेरे को तू नहीं बोले। रोडकर भास्कर, भास्कर क्या किया तूने? इस काम में मर्जी भी मेरा और दाम भी, समझा? ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट और बिल्डर से प्रोटेक्शन मनी ले रहा है, मेरा पैसा इनका प्रोटेक्शन मनी है और अगले हफ्ते से डबल। बट तुझे विट्ठल के बारे में कैसे पता? नहीं मालूम, ये समझ कोई अपना का काम पूरा किया। चल। व्हाट? जहीर के बाल से ज्यादा तो आदमी झड़ रहे थे। प्रोड्यूसर की ऑफिस में खली, रेड लाइट एरिया में बंटी, सड़क पे मुस्तफा, और कितनों को तो भगा भगा के मारा इन्होंने। एटीएस स्क्वाड ने जहीर को गंजा नहीं नंगा कर दिया था। छोड़ दिया, चल। बाकियों के लिए मिशन था, पर भास्कर के लिए बीएलएस चेक। जहां कार्य करे इस काम के लिए सिर्फ कटिंग चाय में खुश था, भास्कर ने पूरी मलाई ले ली। मतलब शुभ नंबर। वैसे तेरा नंबर क्या? जाने दे, आजा। जहीर की गैंग के लगभग सभी टपक चुके थे और आज इजाज मस्का की बारी थी।
सर मेरी टीप गलत नहीं हो सकती सर, यही था भरोसा 20 मिनट पहले। कहाँ गया? या हो सकता है किसी ने हमारे आने की टीप एजाज को दे दी हो। जारी भाई कैसे बोल रहा है? यही है एजाज अपने मुल्की के कमरे में। कौन सा नंबर? 10 नंबर। क्या बोला तू? टिप। भास्कर अपनी गन से ज्यादा पैंतरे इस्तेमाल कर रहा था, शक सबको था पर कोई क्या उखाड़ लेता। कार्यकर को धीरे धीरे यकीन हो रहा था कि उसका पाला हुआ उसी को काटने निकला था। पावर पैसा जब तक हाथ में है तब तक ठीक है, जब दिमाग पर चढ़ जाए तो आदमी की वाट लग जाती है। भास्कर लकी था कि उसकी लाइफ में वैष्णवी थी जिसने ये होने नहीं दिया। तुझे पता है बचपन से ही ना मैंने आई बाबा को जिंदगी से जूझते हुए देखा। अभी मैंने डिसाइड कर लिया था कुछ भी हो जाए मैं अपनी एजुकेशन पूरी कंप्लीट करूंगी, इसलिए मैंने स्टूडेंट लोन लिया और अपने बलबूते पे सीए कंप्लीट किया। स्ट्रॉन्ग गर्ल। तेरी स्टोरी क्या है, तू पुलिस ऑफिसर कैसे बना? बचपन में ना मेरा एक मास्टर था, मेरे को पढ़ाता था, वो मेरा नमा के साथ जबरदस्ती किया, मैं सीधा उसके हाथ में ऐसा पेन घुसा। फिर घर पे पुलिस आया, नम्मा को तंग किया, परेशान किया, उसी के डर से मैं बेलावड़ी छोड़ के भागा। मेरे को वही बनना था जिससे मैं डरता था। तुझे किसी से डर नहीं लगता? किसी से नहीं। लायन है मैं, लायन। डर का पता नहीं पर भास्कर को किसी की परवाह नहीं थी। उसके पास दो ही रास्ते थे, या देश से उड़ जाए या फिर दुनिया से। रामा भाई। अरे रामा आ गया। हाँ वो मैं सुना तुम बॉम्बे छोड़ के जा रहे। ATS के लोगों ने कान में उंगली कर दिया। मैं जाता है ना दुबई, बड़े भाई से बात करता, देखता हूँ मिनिस्ट्री वगैरह में कुछ सेटिंग रहेगी, तो गांडू लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे। लोग कुछ करेंगे ना, जाने का क्या जरूरत तुमको? वो आगे जाएगा, तू अपने दोस्त को वापर के जो पिट्ठल को टपका है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। भाई अगर ये उसे नहीं मारता तो माधर चौथ कब का पलटी मार चुका होता। फॉर्म काम नहीं सिखाया है फिर भी ये सब बराबर करता है। तू वो भास्कर को अपने साथ रख के ना पोषाण पत्ती वाला काम किया। हाँ वो मेरा गांव का ही हो। तेरे जैसा आदमी चाहिए था मेरे को, मेरे मुंबई का काम संभालेगा। अखा मुंबई। ये मेरा घर देखो कितना टाइडी। तुमको मालूम है क्या क्या है? शीशा है। चोरी के? हाँ नहीं चोरों के। मला का साला दखत होए तो मुझे क्यों दिखा रहे हो? वो तुम बोला ना तुम्हारे सर पर लोन, तो तुम्हें लगा थोड़ी चैरिटी कर लो। नहीं मैं काली हेल्प। सॉरी मैं तुमको हर्ट किया। हाँ मेरे को लड़की का एक्सपीरियंस नहीं, मतलब है
एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैं लड़कियों काली डांस बार में मिला, उधर थोड़ा बहुत कुछ हुआ लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, और करने का बहुत कुछ हुई इससे बात। घर का चावल अब तुम आता जाता रहेगा। सॉरी, ये घर थोड़ा छोटा, एक दिन बड़ा घर लेगा। कौन सी बड़ी बात है, ले लोगे बड़ा घर? मुंबई में इतनी जल्दी बड़ा घर? राजेश भूल गए? क्या टिप दी वैष्णवी ने? फिल्म प्रोड्यूसर ब्रजेश, जो खलील के साथ अपने ही ऑफिस में भास्कर की गोली से हलाल होता, उसी से भास्कर को प्रोटेक्शन मनी दिलवाया। वाह, मेरा पैसा गायब। किधर है मेरा पैसा? चिल्लाओ मत। मेरा पैसा गायब और मैं चिल्लाई नहीं, पूरा 5 लाख पड़ा था इधर काली, तुम्हें पता था किधर है? किधर रखा मेरा पैसा? पहले तो बड़ा सीधा बना, मेरे को ये पैसा नहीं, मेरे को चैरिटी नहीं, और अब सब उड़ा दिया। अरे पैसा चाहिए था बोलता मेरे को। हो गया, इन्वेस्ट किया है 5 लाख का 12 लाख हो गया। तुम्हें ना सिर्फ गन चलाना आता है, दिमाग नहीं। इतना सारा कैश घर पे कौन रखता है? अब सारा ब्लैक मनी व्हाइट हो गया है, वो भी प्रॉफिट के साथ। सॉरी, वो लड़की का एक्सपीरियंस नहीं है ना, दिमाग वाली का तो नहीं। मैं तुम पर कभी डाउट नहीं करेगा। पांच का 12 मतलब 7 लाख प्रॉफिट। 7 नहीं, 3.5। बोला था ना चैरिटी नहीं लूंगी, ये प्रॉफिट शेयर है, अब से हम 50% पार्टनर्स हैं इसमें। 8 लाख उसका कितना बना सकता था? 3 महीने में 18 मतलब 5 लाख प्रॉफिट। 5 नहीं, 10। 50% तुम्हारा ना। चाहे वैष्णवी को भास्कर के कमाने का तरीका ना पता हो, पर उसे कमाए हुए को बढ़ाने का तरीका अच्छे से पता था। अरे क्यों नहीं मिल सकती? मैं पिछले 10 दिन से चालू है तुम लोगों का ये नाटक। हे बगा, हमको इतना ही बोलने के लिए बोला है, समझा कीजिए आप। जाऊं देना, मैं तुझे बाइको है। बाइको, बहन, माँ, कोई भी हो, आप नहीं मिल सकती। अरे समझत का नहीं तुम्हारा? अरे क्या क्या क्यों नहीं मिल सकती? रिटर्न ऑर्डर है तुम्हारे पास? आप हमारे साहब से मिली। कौन से साहब? वो अगले दरवाजे से अंदर जाइए आप। आ जाते। हाँ बोलो, आपका क्या है?
कैदी नंबर 320। क्या भास्कर को सब जगह अकेले ही जाना था? पॉपुलर अकेले को होना था, टॉप पे अकेले को जाने का था, पावर अकेले को चाहिए थी, पैसा भी अकेले को ही चाहिए था। मैंने उसे अकेले में धकेल दिया, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब क्या जो कैदी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में होता है ना, उससे कोई मिल नहीं सकता, लॉ है वैसा। आप भी नहीं जाइए सर, बस एक रिक्वेस्ट थी अगर आप माने तो। क्या? जितने दिन हो सके ना भास्कर को सॉलिटरी में ही रखना। आ? जिस दिन वो निकल गया ना, आप कभी सॉलिटरी नहीं रहोगे। अरे आज तो मंगलवार है, मंदिर जाना है, ये तो मिल। ए छाटो उठ। मातरचोद, अब बर्तन मांजेगा? ए बर्तन मांजेगा? मोले नॉर्मल सेल में शिफ्ट करो साले को। मादरचोद को बास का लड़की दिखता तेरे को? कौन सा वाला? अरे ये वाला, बता साइज क्या उसका? मालूम नहीं, 34 ऐसा। अरे वाह, तेरे को बड़ा अच्छा मालूम लेकिन गलत इंचीज नहीं, सेंटीमीटर। सपोर्ट डाला उसमें, सपोर्ट बाहर से बिलबोर्ड, अंदर से कैरम बोर्ड, सारा नकली। तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, वो चिरोटकर, वो कार्यकर, वो पुजारी की तरह, तीनों का जाच सेम। काम खत्म होने पे ना तेरे गांड पे लात मारेगा वो। अन्ना वो टाइम गया जब अपन का मार के लोग ऊपर जाता था, अब अपने दोनों का टाइम है। ए, तेरे एटलिस्ट पे मैं भी होगा ना? ए तेरे एटलिस्ट पे मैं भी होगा ना? क्या ना? मेरे को भी टोकेगा क्या? आपको लगता है कुछ भी? चल चला जाता है। आ जा जा। पहचाना मेरे को? इसलिए तो नहीं आए। जानती मैं कौन बन गई? कौन बन गया रे तू? ये भी तेरे गन की तरह खाली है क्या? देख मैं तेरे को बोलने आई कि मैं पुलिस। क्या बोलना है? बोलना। चेक करने का है तेरे को? नल्ला नहीं है जितना मुझे लगा। और तू इतना भी अच्छा है ऐसा मैं सोचा। अब तो देख, अब मैं ऐसे मजे दिलाऊंगी ना तेरे को, तेरे होश उड़ के पंखे पे लटक जाएंगे, परीक्षा पे। अब तो तू इतना बड़ा अफसर बन गया है, बात करना मिले किसी फिल्म प्रोड्यूसर से। नहीं करना मेरे को ये अक्खा जिंदगी।
हीरोइन बनना है मेरे को, स्टार, फिल्म स्टार। कोई नहीं लेता आदमी की गांड सिवाय उसके कर्मकांड। एक टाइम आ गया था जब भास्कर ये सोचने लग गया था कि उसे कोई छू नहीं सकता। अरे छूना दूर, आज लोग उसे नोचने के लिए दौड़ रहे थे और उस दौड़ में सावन सारा चूतिया निकला, घंटा कुछ नहीं कर पाया। मुझे तुम पर भरोसा है, जान लेना तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए मैं तुम्हें जेल का चार्ज दे रहा हूं। बस रे, बस बस। सर मैं क्या पूछ रहा था, मतलब आपको लगता है कि भास्कर के पास चवान खिलाफ कोई सबूत होगा? मदरसों के पास कुछ है नहीं कुछ पता नहीं, कहनचोद की गेंडी की चमड़ी है, हम अगर पूछेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। कल अगर मीडिया के पास गया तो इसलिए बकने से पहले उसे जेल में ठंडा कर दो, खत्म कर दो उसको। उसे भी पता चलना चाहिए कि बाप बाप होता है। फर्स्ट पोजीशन लेने के लिए दिनकर मरा जा रहा था। जो दिनकर को अपने एनकाउंटर की गिनती गिनाकर उंगली कर रहा था, दिनकर मतलब शुभ नंबर। वैसे तेरा नंबर क्या है? हो सकता किसी ने हमारे आने की टिप एजाज को दी थी। क्या बोला तू? उसकी उल्टी गिनती गिनाने का वादा दिनकर खुद से कर चुका था। Thank you.